अपनी जाना के नजराने पेश किए, जिन्होंने अपना खून गिराया, पसीना गिराया और पैदल चल के वजीराबाद तक गए। इतों ही तुहाडे कोलों किन्ने बंदे गिरफ्तार होए? पंजा बंदे जिहड़े आए तो तुहाडे कोल गिरफ्तार होए। मैं रस्मन नहीं वाकया क्या हकीकत है, वो बड़े वड्डे लोग ने। असी मैं जनाब पूरी तहरीक तरफ उन्होंने सलाम एक दिन पेश करता, वो लोग जिहड़े पैदल चल के गए, जिन्होंने पसीने गिरे, खून गिरया, जाना कुर्बान कीतियां, उन्होंने पूरी उम्मत नूं यह यकीन उन्होंने पैदा पैदा कर दिता है कि हुज़ूर दा दीन तख्त ते आ रहा है। कोई लोग जिहड़े पहले कहिंदे सन यार की अगर असी मुसलमान सा कलमा पढ़ सा अज कर लागे उभरे वध कर लागे महफिल नाथ करवा देंगे कोई मदरसा बनवा देंगे कोई मस्जिद बनवा देंगे यह काम बड़ा औखा है। जना पुलिस घर फड़ दिए यह हालात पैदा होते हैं, इस तरह बदतमीजी होती है। जोड़े लोग बेयकीन के शिकार सन उन्होंने बेयकीनी बदलिया तो शहीशा ने अपनी जाना ने नजराने लेके बदले यकीन अच्छी हम पे तो गुजरी सो गुजरी मगर ऐसा भेज रहा हम पे तो गुजरी सो गुजरी मगर ऐसा भेज रहा हमारे तेरी आग पर सवार चले अटक अलामा मोहम्मद याकूब साहब 90 साल उम्र से जिन्हों का पिछले इंतकाल होया था वो बीमार सन से साहब फराश हो चुके सन बिस्तर लेटे हुए सन अलीन सन सन छोटा भाई आगे कोल बैठा रहा जुबान बंद हो चुकी सी वो सारा दिन सुबह तो लैके शाम तक बैठा रहा छोटा भाई कि मेरा वड्डा भाई मेरे नाल गल करे 90 साल उम्र आलमे दिन पुराने मतरूका निशान पड़े हुए बहुत टाइम मौलवी ने पढ़े लिखे मौलवी साहिब इल्मी शख्सियत सफेद दाढ़ी वो भाई छोटा बैठा रहा कि कोई गल करो बुलाता रहा लेकिन गल ना हो सकी भाई बोलिया नहीं जुबान बंद सी बोलिया नहीं जा रहा शाम हो गई जो रोंदा कर निकल गया उनकी ईमानदारी तहरीक लगभग जाफिया के शूरा के मैंबर ने हफीज डालवी इंजीनियर हफीज डालवी साहब वो कहते मैं गया साहब फराज सन पहले तो बिस्तर से लेटे हुए सन मैं उन्हें जो सामने आया ना तो मैं सलाम लिया उन्हें मैंने वेख्या कि मैं इशारा किया अपने पुत्रों को कि मैंने उठा के मैं जाऊँगा बेटे ने उठाया एक बेटा पीछे बैठ गया उन्हें अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह दी कंड अपनी सीने ने ला ली तो पीछे बैठ गया टेक ला गया टेक लुआ के पीछे बैठ गया वो अलवी साहब कहते मैं बैठे ना तो अल्लामा साहब ने जुबान खोली कहते काश मैं भी हुज़ूर दा दीन तख्त वेख के जाता उनका मतलब है कि मैं तो हूँ जा रहा पर हुज़ूर दा दीन तख्त आ रहा मैं जा रहा दीन तख्त आएगा और त्रिवाई नहीं इंशाल्लाह रसूल रियाई वगैरह की गल नहीं मैं अपने अंदाजे नाल गल करदा अपने ईमान की रोशनी अंदर अभी तो माड़े लोगों ने ना सानू दावा हो जनाब है अभी कुछ भी नहीं अभी तो उन्होंने नेक लोगों ने कलमा की खाद खबर दीदार के काबिल तो कहां मेरी नजर है ये तो तेरा ही करम है रुख तेरा ही करम यह सन्मान को जनाब जेल कटिया ने असं 16-17-18 वाली जेल चले गए 20-25 बच्चे अभी शस्त करते चल रहे हैं फिर क्यों हो गया कासिमो अब्बास दे के वीर सईद हारिया तेरा बिना दाते ने दिता तेरे उत्तों वारिया यह तो मुझे अता है ना जी असा कि घरों देना मालिका ने दिता असा देना असी जान घरों जाके रहनी है वो मालिका ने पुतली बना के बच्चे फूक मार दी तो जी फूक मारी है तो वही पेश कर ली इंशाल्लाह पाकिस्तान से इस्लाम का प्रतिबल हराएगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हिंदुस्तान का भी इस्लाम का प्रतिबल कश्मीर आजाद होएगा पंजाब आजाद होएगा जम्मू ते शाम आजाद होंगे और इंशाल्लाह बैतुल मुकद्दस जाके तहरीक लद्दाख चर्च वाले कायद नमाज जुमा पढ़ाएगा क्या होगा?
जुमला कारकुनान जाकिर साहब ने मैंने फोन किया मैं साहब जरा वो इस तरह का भी मेरा दुनिया जी नहीं ये मैदान अच्छा शिकायत बस मैं आ कोई डिमांड नहीं होनी मैं अपना साधन अपना ना लिया मैं खा लिया अद्धा मैं ना कोई डिमांड ना कोई नखरा है ये कड़ी गल है भाई पीर साहब ने खाने नहीं खाना नहीं करना सर करना की ने जेड़े घोड़े घोड़िया ने पट्ठे खान दौड़ ना जेड़े ढके पट्ठे खान तो हार ना उन्होंने किसी की गल कोई जिम्मेदार जे ट्रैक्टर ले जाइए हार ना लाए ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਕੌਣੀ ਸਦੀ ਕਲਰ ਚੁੱਕੀ ਕੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਸਥਾਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਾਬ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ और दीन की खातर कुर्बानियां देने वास्ते मैदान अहल च निकल आए जिन्होंने अपने मेरा वो अमर का अपनी इमामत का ख्याल ना किया किताब का ख्याल ना किया और हजूर की खातर मैदान च निकला जिन्हें अपनी गड्डियों का ख्याल नहीं किया तो हजूर की खातर मैदान च निकला जिन्हें अपनी नौकरियों का ख्याल नहीं किया ना सरकारी ना गैर सरकारी मैदान च आ गया उत्थे मैं चढ़ के कुछ दिन पूछे मैं गड्डी लेके बैठा निकलिया ना बाबा जी के मजार तो रात में एक लड़के सलाम ला रहा सन वो गड्डी आहिस्ता आहिस्ता तो रहा ड्राइवर और एक रोज नाल नाल स्पीड नाल दौड़ रहा सन एक लड़के पीछे दौड़ता आया मैं पूछा उस बेटा शायद कराची का सी है हैदराबाद का मैं काम की करना उन्हें कहा मैं मजदूरी में चौई करना लंगर चोना तो मजदूरी लगना मैं दिहाड़ी कमाना मैं क्या उनका उद्धव तू आए हैं दिहाड़ी तू कौन इतने की करना है कमाई भी कोई नहीं मजदूरी भी नहीं कर रहा लैंडलॉर्ड भी नहीं मेल मालिक नहीं सरकारी नौकरी नहीं प्राइवेट भी तनखा नहीं जनाब जाए जहाँ जाए तनखा मिलनी है दिहाड़ी कर दिया मैं कहते करने की आया उन्हें बस सरकार की खातर जान कुर्बान करना है तो वे खड़े ने लोग शाफर जनाब चावल लैके सड़कों से लम्बा पै रहा है ये भी नहीं आखना जनाब असं अगे जाके कंटेनर हटा रहे हैं ना सा ना लिख लो स्टेज सा ना लेना जी सा नाम लिख लो इतने जान कुर्बान कर देनी है ना लिख लो जाना कुर्बान करनी फिर वे लोग असी इनके एहसान मान सा पूरी तहरीक एहसान मान सा पूरी उम्मत एहसान मान सा इन्हें सारे से करता है असं इंशाला उन्होंने बच्चे ने भी नौकरा तहरीक उन्होंने वफा कर अल्लाह ताला अपने हबीब रसूलुल्लाह की मेहरबानी खरा सन सब नु मिलके हुजूर दे दीन नु तख्ते लेवण वास्ते अपना सब कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए दीन भारत तख्ते आए दीन आए हालात साबित कर रहे कि दीन आए मैं कदर कंटेनर ते वजीराबाद लाहौर आके उस दे दौरान इस जगह ते ऐ नहीं किया ओ जनाब कंप्यूटर टेक गई दीवाने शाही जब हमने झुक गया इस किस की कोई गल नहीं की ना की ना मैं करनी कदम नहीं करी और किसी एहसान से नहीं कोई फर्ट नहीं मारी कोई बड़क नहीं मारी इस तरह मुल्क साढ़े ऐसे वर्गित रहना है जित हार की गल कोई नहीं कौन जीते तो कौन आ गया इस शख्स पे खेल लोगी की याद गर जीतू तो तुझे पालू हारू तो मैं तेरी जितते हार की गल कोई नहीं पर हाल दीन की फतह इस्लाम की फतह साड़ी फतह नहीं यह जी अभी जेल च रह जनाब है लीड कर रहे हैं थोड़े नाल अभी सब खड़े हो गए तहरीक की रानवाई कर रहे हैं इस पर अभी कदर गुरू नहीं कर रहे बल्कि मैं समझा मेरी हैसियत की है मेरी हैसियत है एक तरीके के बराबर भी नहीं
ये सारा सरकार का करम ये बासों की करम नवाजी वो जिस तरह चाह वो बादशाह ने जिम्मे मर्जी जिसे को मर्जी काम लै रहे ऐसी नौकर भी सरकार दी एक तेरे दम बदले एक तेरे दम बदले भी मैं सारे टबर दिया नौकर अभी सरकार की वजह जनाब थोड़ी भी नौकर पूरी उम्र त्याश कर रसूल दे फाजिल दसमन नहीं अल्लाह ताला जुमला हाजरी से अपना कर्म फरमाए इलेक्शन करीब आ रहे हैं कि असी जी दीन वफा करनी है ना वह परची लेके करनी कलमा उधूर का वोट नून लीग का कलमा उधूर का वोट पी टी आई का कलमा उधूर का वोट पीपल पार्टी का यह वफा नहीं ये बेवफाई नहीं असी परचियां दीन नू दे के हुजूर नाल वफा करनी मालिक को ना नतीजा मालिका को अज का प्रोग्राम अमीर मुजाहिदीन मोहसिन उम्मत अल्लामा खादिम सैयद साहिब रहमतुल्लाह अलैह की याद सी और फिर राव मसूद अहमद साहब के वालदे मरहूम राव